हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का व्लॉग करते शुरू, पहले मैंने शुरू नहीं किया था, अब करता हूँ शुरू। तो अभी हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम है उधर जा रहे हैं, और बाकी जो है आज शाम को कहीं और जाना है, बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाना, इंशाल्लाह वो बताना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, आज फिर बिरयानी बन रही, ईद के चौथे दिन, और बिरयानी बनेगी तय वाली, और जब तय वाली बिरयानी बनती है ना तो मज़ा आ जाता है। ये देखें मसाला ज़बरदस्त, ये इसके अंदर प्याज हैं, इसके अंदर टमाटर हैं, इसके अंदर धनिया है, पुदीने, एवरीथिंग है, कि आपको पता होना चाहिए कि बिरयानी के अंदर क्या क्या डलता है, क्या क्या नहीं डलता, ठीक है। और ऐसे चावल उबाले जाते हैं, और चावलों को जब इनके अंदर कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, और पता नहीं ये क्या है, पुदीना धनिया सब कुछ डालना पड़ता है ताकि ये अच्छे बॉयल हों, अच्छा कलर आए, और जैसे बॉयल हो जाएंगे इनको मिक्स करके बिरयानी बनाई जाएगी, जैसे कि आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है। और ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सबको खाना बनाना आता है, बस सिर्फ हमने दिखाना होता है। जनाब ये वाली जर्दा पक चुका है, ये दिखाऊं, खोलो जरा। ओ माशाल्लाह, ये देखिए कलर जर्दे का, अभी मैं खाएंगे इकट्ठे जब ना सारा खाना बन जाएगा। तो ये जर्दे में ज्यादा कलर डालें तो ज्यादा मजा आता है, तो चीनी जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी। ये जनाब भूख लग गई है, बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, मेरे कुछ दोस्त मेरे टिकटॉक पे मैसेज करते हैं कि जनाब घर से बाहर भी निकल के वीडियो बना लिया करें, घर से बाहर निकल क्या वीडियो बनानी, ये देखें, ये बाहर चूहे नजर नहीं आते ना, क्या अभी खाना बन रहा है, इंशाल्लाह खाना खाएंगे थोड़ी देर तक, 5-7 मिनट तक जैसे तैयार हो जाएगा दिखाया जाएगा। और ये देखें साहब, और किधर निकल गए, ये देखें चावल, इनको ना बाहर निकाल के छाननी के अंदर डालते हैं, और ताकि इनके अंदर से सारा पानी जो है स्टीम हो जाए, खत्म हो जाए या निकल जाए, तो फिर इनके अंदर चावल और सालन मिक्स करेंगे, और फिर इनकी तह लगाएंगे 10-15 मिनट के लिए, इनको रखेंगे, और फिर इनको मीठे चावल और बिरयानी के साथ मिक्स करके खाएंगे। ऊपर लगता है बैठ के ना अपनी गेम खेल रहा है ना, ऐसा ही है कि नमाज किसने पढ़नी थी, अरे क्या कर रहे हो, चलो उठो, अपना पी लिए, अपना ड्रिंक पी लिए। अच्छा ये जनाब, एक मिनट, ये जो है ना, ये ऐसे, ये देखो हो गया मिक्स, इसको ऐसे कर ले थोड़ा थोड़ा चावलों को, इसलिए आपने ये ज्यादा ना इसको ऊपर ना क्या कर ढेर नहीं लगाना, इसको खिलारना होता है, ठीक है। अब डालने चावल ऊपर, ये इसके ऊपर पुदीना और टमाटर भी, ये सब कुछ ना ऊपर लगाना होता है, ऐसे थोड़े थोड़े करके चावल डालने हैं ताकि ना मसाले के साथ मिक्स हो जाए, ज्यादा चावल भी डालने, ज्यादा चावल डालेंगे तो फिर मसाला कम हो जाएगा और चावल ज्यादा हो जाएंगे, व्हाइट राइस, ये लेंगे, ये देखें ऐसे काम करते हैं। ये जनाब सारा मेरे साथ आ गया, मुझसे प्यार कर रहा है आके, चलो ऐसे पार करो, ऐसे करो सर, मेरे कान में करो, ऐसे ऐसे करो, अरे मेरे कान में करो, मेरे कान में ऐसे ऐसे। ये सारा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे खेलता रहता है, ओए मेरा कान नहीं खींचना, मेरे कान में ऐसे करो, अल्लाह अकबर। ये देखें अभी चावल खाने के चक्कर में है ना सारा, अभी चावल मिलने हैं, मीठे चावल मिलने हैं, है? जितना मर्जी प्यार कर ले चावल नहीं मिलने, चावल जल्दी नहीं मिलने, चावल टाइम से मिलने हैं। चलो जी सारा, ये देखे धमाले ही डाल रहा है, जितनी मर्जी धमाला पा, देख जाके उत्थे डफरा नहीं खुलनी है, ठीक है, बाबा साहब के दरबार से। हसन देख ला, ये धमाले डाल रहा, कह रहा चलो अब्बा जी चावल खिलाओ सारा, सारा ये देखो ऐसे ही होता है, कौन है ये, तो देखते हैं सारा, सर बैठ के देखे कैसे रिलैक्स ना अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, कोई फिक्र नहीं है, कोई फाका नहीं है, बस सिर्फ पढ़ रहा है, वीकेंड पे स्कूल जाता है, और आजकल छुट्टियां हुई हैं, ईद की छुट्टियां 15 छुट्टियां थी, तो अपना व्लॉग खुद ही देखते हैं हम लोग, आप भी देख लिया कुछ ख्याल कर लो, इसके साथ खाएंगे रोटी अभी। ये देखे सारा इधर मेरे ना गोडे के ऊपर टकरे मार रहा है कि चलो चलो चावल खाए, कौन है बाहर, कौन पहले भाजी सही तो नहीं भाई, आपकी आ गई है, वो भी ले मीठे चावल भी ले आओ, अभी सही है, हसन ले आओ ड्रिंक जाके गाड़ी से, है ड्रिंक नहीं गाड़ी से, हाँ बिरयानी आ गई है, लो मीठे चावल भी ले आओ। चले जी जनाब, आप बिरयानी हो गई है शुरू, अल्लाह का नाम लेके
बैठे नहीं दे रहता डाल कोई प्याशा भी कटेगा नहीं बाकी गल बात कर चौल बिरयानी बहुत जबरदस्त है चल जी ब्लॉग स्टॉप करिए आके तू रेड बुल आंदा अपना तू नहीं पींदा चलो ठीक है ये क्या है ये साइड पे करो ये जनाब जा थोड़ी सी हो जाएगी और वीडियो लंबी खाने की ये वीडियो देखें एंजॉय करें आज ब्लॉग यही है तुसी तिन्ने भी टैक्सी करना तुम्हें दी ना नौ बजे तक कोई कर सकदे ना हुन तुम्हारे को ये तो चलते ही रहवे दा इज गुड असि हर महीने ना जाऊं बंदे ने 17 18000 पाउंड बनाना है ना एक कमेटी वड्डी पा सकदे हैं समझता नहीं क्यों अपना पियो चल बहुत मजेदार माशाल्लाह बिरयानी है जनाब चीमा साहब बिरयानी जनाब बहुत जबरदस्त है ये ईद का चौथा दिन भी हमने एंजॉय कर लिया इंशाल्लाह अगली ईद का इंतजार करें आपका शिफ्ट बहुत सख्त वो बहुत बहुत सख्त काम कर रहा है बंद कर दिया ओके जी बाद में खाने तो बाद जनाब असि बाहर आके बह गए ते चाह आ रही है पत्ती ठोक के ते मीठा रोक के मेनू बिलकुल पसंद है चाह जी ना दुध लाची पाई है ते दालचीनी लाची ते मीठा रोक के ते पत्ती ठोक के पत्ती जड़ी ना कड़क चाय ओ आई लाइक इट डोंट वरी इंग्लिश टू मच आई स्पीकिंग इन दिस कंट्री नो प्रॉब्लम शुक्र है यूके दी धूप शुक्र है से घर धूप लगी है वेखो धूप लगी है ते फिर छुप जानी केड़े वेले छुप जानी है कोई पता नहीं धूप दा इत्थे धूप दा ते काम दा कोई भरोसा नहीं तीसरी गल तुसीं अपनी समझ गए होणे कबूतर फड़ सारम देखो बच्चे खेल रहे ने सारम ये टोर नहीं सकता रेड़दा पिया गड्डी दी बैक साइड ते ओए वेख के की ना है तेरा फाते ध्यान नाल गड्डियां भी होंदियां किसे वेले ना पर इस रोड ते गड्डियां नहीं आउंदियां ए अगो ना उत्थे डेड एंड है अगे गड्डियां नहीं जा सकदियां सिर्फ वापस ही जा सकदियां ने रोड नहीं ए कोई क्लोज है तां वास्ते फायदा टुर गया हां टुर गया ने फंडे है ना ओ डर के हां डर जांदे ओ टुर गया फाते सारम को लेके आओ ये देखें जनाब अभी मौसम इतना प्यारा था धूप थी हवा चल रही थी और उसके साथ ही सारे बादल आ गए हैं और मौसम साथ ही ठंडा हो गया ये है यूके का वेदर
और इसी को इंजॉय करें, इसी में जिंदगी गुजारें जिसने गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब। बाकी चलें जनाब इंशाल्लाह ब्लॉग आप देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये ब्लॉग भी आज या कल अपलोड हो जाएगा। ये जनाब साथ ही चंद कतरे बारिश के जो है ना वो ऊपर पड़ चुके हैं शीशे पे और साथ ही बारिश आ जानी है। ऐसा ही है वेदर और ऐसा ही है मुल्क। मौसम होना ना लिवरपूल का मौसम यूके का वेदर चेंज होना शुरू हो गया। वेखो कितना प्यारा वेदर है माशाल्लाह। अल्लाह ने ना करम किया ना गोरियां ते भी इन्हें ठंड में लगता है कोई 7 महीने कढ़ लेने ते मेरे ख्याल नवे महीने के एंड की ना सर्दी शुरू हुई है नवे 10वें महीने की। तो यह वेखो मार्च अप्रैल की अज 17 हो गई है तो मौसम चेंज होना शुरू हो गया। अल्लाह करे कोई 2-4 महीने सौखे हैं जो लंघ जाए फिर अपने मुल्क जाके धुप्पा सेकीए तो दुआने खाइए। बाकी इंशाल्लाह जनाब व्लॉग वेखो तुसीं इंजॉय करो तो अपलोड होएगा। ओके जी अब लो जी कर लो फिर यूके का अज वैदर चैक नाल ही ठंडिया हवावान तो सूरज के अगे बदल वेख लो बस इंज गुजारा कर रहे हैं। अगे गया सा शॉपिंग शुपिंग की जनाब आटे एलीफेंट मीडियम आटा ईस्ट एंड का देसी घ्यो का डब्बा बाकी चावल शावल लैला चावल और लैला याद आ गई। हाँ जी वो याद नहीं सी होने की हो गया कि पे सलमान दी शावां पईयां ने पिछे गड्डी दे मैं आख्या चलो पईयां ही रहन। लो जनाब हुण इत्थे जा रहे असी थोड़ा जिहा फ्री टुरीए कम शम करिए चाह पी लईए घर ही कड़क चाय कड़क चाह पी के निकले हुण जरा तुहानूं वहाने एक मैं ना गड्डी दे चीज़ा सो वापस करनी हम वापस कीतियां ने कार्ड कोल को नहीं सी पैसे ने हम वापस होंगे ना कार्ड च तो हूँ जा रहे हैं कार्ड लैके वापस करवाना फिर मोबाइल कल का ठीक कराने वास्ते दिता है तो मोबाइल लैन जा रहे हैं सलमान का एक मोबाइल टुट फुट गया उन्होंने मरम्मत करवाना है। वो लिवरपूल का स्टेडियम नज़र आ रहा है इतों तुम नज़र आ रहा होगा एक स्टेडियम है एवरटन बड़ा मशहूर स्टेडियम है। आंदने जंक्शन चारे पासे जिदू सड़क निकल दी ना ते इधर सीधी ए जड़ा रोड जा रहा है जलियांवाले पासे